बहुत सारे स्टूडेंट्स टर्की को अपनी एजुकेशनल डेस्टिनेशन प्रेफर करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ऑल दो स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स वरीड अबाउट द फैसिलिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स इन टर्की, और इन्वायरमेंट कैसा होगा स्टूडेंट्स के लिए, फैसिलिटीज़ कैसी होंगी, क्या वहाँ पे बच्चा एडजस्ट भी हो पाएगा या नहीं. सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली अबाउट द फैसिलिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स इन टर्की एंड स्पेसिफिकली अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि जो तुर्क बच्चे हैं उनके लिए नो डाउट फैसिलिटीज़ हमसे डबल है, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी जो फैसिलिटीज़ टर्की दे रहा है, आई डोंट थिंक कि कोई यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन या ब्रिटिश कंट्रीज भी वो फैसिलिटीज दे रही हैं जो के टर्की फैसिलिटीज स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कर रहा है. विद 94.2% स्कूलिंग रेट, टर्की रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू हायर एजुकेशन. जब एजुकेशन रेट इतना ज्यादा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज ना हो. तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे तुर्की स्टूडेंट्स के लिए एक जन्नत है, ना सिर्फ तुर्क स्टूडेंट्स के लिए जो कि यहाँ पे हैं, ऑल्सो फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली आई एम मेकिंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तान से हो गया, इंडिया से हो गया, US वगैरह जहाँ से भी आते हैं, वो लोग जहाँ स्टडी करने आते हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वो कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप के बारे में हमने पहले भी बहुत बात की हुई है. टर्की भी उन तमाम कंट्रीज की तरह है जो कि स्कॉलरशिप्स देता है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप देता है, जो कि टर्की बुर्सारी स्कॉलरशिप है, 100% फुली फंडेड. एट द सेम टाइम इस्लामिक स्टडीज को ये चाहते हैं कि ज्यादा दुनिया में फैले उसके लिए दियानत स्कॉलरशिप देता है, ओनली फॉर द इस्लामिक स्टडीज, वो भी टोटली 100% फुली फंडेड. एट द सेम टाइम अब देखो ये स्कॉलरशिप्स वो है जो दूसरी कंट्रीज भी देती हैं, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर अ प्राइवेट स्टूडेंट इन टर्की देर आर डजन्स ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि तुर्की की ही हैं, वो लोग स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड देती हैं मंथली यहाँ पे रहने के लिए, उनकी रिहाइश का भी इंतजाम कर देती है, उनको मंथली स्टाइपेंड भी देती है. जिन लोगों को पता है वो लोग अवेल कर रहे होते हैं. टर्किश कल्चर के अंदर ना आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है अंदर समझने के लिए, उधर फैसिलिटीज वगैरह समझने के लिए कि यार ये चीजें भी हैं जो कि मैं अवेल कर सकता हूँ. अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती आप लैंग्वेज बैरियर की वजह से पीछे हो जाते हो. लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपको पता होता है कि यार अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन है, दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन फंड मी, दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव मी मंथली स्टाइपेंड फॉर मी. यहाँ पे डजन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस तरह से वर्किंग कर रही हैं और स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड देती हैं. सिमिलरली YTB जो कि टर्की बुर्सलारी देती है, उनका भी एक प्रोजेक्ट है जो कि है सक्सेस स्कॉलरशिप, वो भी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि तुर्की में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्राइवेटली पढ़ रहे हैं, वो उसमें अप्लाई करके मंथली स्टाइपेंड ले सकते हैं. तो स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी टर्की में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं, अगर आपको सिर्फ पता हो कि किस तरह से कौन सी अवेल करनी है. ओके, सेकंडली नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉस्टल्स. हॉस्टल टर्की के अंदर गवर्नमेंट हॉस्टल्स होते हैं जो कि एक तो होते हैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल, ठीक है, यूनिवर्सिटी हॉस्टल प्रोवाइड करती है जो कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि उनका रेट क्या होगा, बट गवर्नमेंट हॉस्टल्स होते हैं जो कि हर सिटी के अंदर अवेलेबल होते हैं. उनके चार्जेस एक ही होते हैं पूरे टर्की के अंदर, ऐसा नहीं है कि दूसरी सिटी में कुछ और दूसरी सिटी में कुछ और. मोस्टली उनके रूल्स एंड रेगुलेशन तकरीबन सेम होते हैं, थोड़े थोड़े सिटी टू सिटी चेंज हो सकते हैं क्योंकि बल्दिया कंट्रोल कर रही होती है, उनको बल्दियाती निज़ाम है टर्की के अंदर, तो थोड़े से चेंज हो सकते हैं. अब नॉर्मल हॉस्टल प्राइवेटली, लेट्स सपोज ये एक प्राइवेट हॉस्टल है जिसमें मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, अगर इसकी फीस की बात की जाए तो ये है 3,700 टर्किश लीरा फॉर अ सिंगल पर्सन. ओके, सिंगल पर्सन, मैं सिंगल पर्सन रूम की बात नहीं कर रहा, ये 2% रूम होता है यहाँ पे, 3,700 टर्किश लीरा के अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, टोटल टाइम खाने के साथ. अगर हम गवर्नमेंट हॉस्टल की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्टल्स के अंदर 2% रूम नहीं होते, 4% रूम होते हैं, और वहाँ पे सेम इससे भी ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज होती हैं, ठीक हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर रही होती है. और टर्की के अंदर अच्छा ये चीज एक माइंड सेट है, अगर हमारे वहाँ पे ना चीज़ यह कि अगर गवर्नमेंट की चीज़ है थोड़ी सी बुरी होगी, प्राइवेट है तो अच्छी होगी, टर्की में ये टोटली अपोजिट है. अगर गवर्नमेंट की चीज़ है तो ये अच्छी होगी, और अगर ये प्राइवेट है तो इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, ये हालात है यहाँ पे. तो गवर्नमेंट के जो हॉस्टल होते हैं वहाँ पे फूड वगैरह भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है बनिस्बत यहाँ के. गवर्नमेंट के जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, उनके स्पोर्ट्स ग्राउंड्स होते हैं, स्पोर्ट्स जिम वगैरह होते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास. तो मैं जस्ट आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट के हॉस्टल ज़्यादा अच्छे होते हैं. फीस की बात की जाए, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 3,700 टर्किश लीरा है और वहाँ पे 700 टर्किश लीरा है, लाइक कितना ज़्यादा डिफरेंस है फीस के अंदर अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हो. हॉस्टल्स के वाले से बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट हॉस्टल्स बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं सब कुछ. अगर आप हॉस्टल्स के बारे में मोर जानना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो आप इसको जाके देख सकते हो, मैंने डिटेल्स में हॉस्टल लाइफ इन टर्की के ऊपर डिस्कस किया हुआ है, यू गाइस कैन वॉच दिस वीडियो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट में भी टर्की ने 50% फ्लैट डिस्काउंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स को तकरीबन तमाम सिटीज के अंदर. ट्रांसपोर्ट के चार्जेस सिटी टू सिटी वेरी करते हैं, मैं आपको अपनी सिटी के बारे में बताऊंगा कैसरी के अंदर, ठीक है. कैसरी के अंदर जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट एक टिकट टैप की जाती है वो होती है 6.5 टर्किश लीरा की, बट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो है 3.25. एट द सेम टाइम मंथली कार्ड्स भी होते हैं. मंथली कार्ड्स ये होते हैं कि आप मंथली पैकेज करवा लेते हो एक दफा और वो आप पूरा मंथ यूज करते रहते हो विदाउट एनी टेंशन. वो कार्ड, उस कार्ड का रेट अगर एक नॉर्मल बंदा है तो उसके लिए 400 टर्किश लीरा है, और अगर एक स्टूडेंट है तो उसके लिए 100 टर्किश लीरा है.
इन कार्ड की प्राइसेस सिटी टू सिटी वेरी करती हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे वो इस्तांबुल को कंपेयर करने बैठ जाएंगे। मैं इस टाइम कैसरी को बता रहा हूँ, इवन इस्तांबुल में भी 104 टर्किश लीरा है, द लास्ट टाइम आई रिमेंबर मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर भी। तो ये फैसिलिटीज ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी दी हुई है। मैं सिटी के अंदर की बात कर रहा हूँ, सिटी के अंदर आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए जिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज करो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बसेज हो, चाहे वो शिप्स हो, इस्तांबुल के अंदर मोस्टली उन सब के अंदर आपको 50% डिस्काउंट मिलता है स्टूडेंट्स के लिए। फूड के हवाले से बात की जाए, मैं पहले बता चुका हूँ कि हॉस्टल्स के अंदर दो टाइम्स फूड दी जाती है, जो कि कंपलसरी है मोस्ट ऑफ द हॉस्टल्स इन टर्की कि आप दो टाइम कम से कम फूड दोगे, एक नाश्ता दोगे, एक रात का डिनर दोगे, क्योंकि दोपहर का खाना स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में खाता है और यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड होता है। अब ये जो चीज है ना, ये मैंने अभी तक दुनिया में कहीं पर नहीं देखी। मैं पोलैंड भी गया हुआ था, यू नो हम डेनमार्क घूमने गए थे, उधर भी कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह विजिट की थी, उधर भी ये जो मेस फूड वाला सिस्टम था ना वो नहीं था। वहाँ पे कैंटीन्स वगैरह होती थी जो कि एक्सपेंसिव देती थी, बट ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ओन करती हो इस चीज़ को कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम इनको खाना देंगे ऑलमोस्ट फ्री में। लाइक गवर्नमेंट टोटली फ्री में दे रही है, हमसे जो चार्जेस दिए जाते हैं ना वो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए जाते हैं कि जो वर्किंग कर रहे हैं जिस तरह की सफाई वगैरह रखी जाए उसके। मैं आपको बताता हूँ खाने के हवाले से, मैंने मेस फूड के ऊपर वीडियो भी बनाई, आप यहाँ पे वीडियो देखोगे। यहाँ पे वीडियो राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्सिटी मेस सेंटर व्हिच वी कॉल इन टर्किश लैंग्वेज ओरेंजी यमे खाने सी। और यहाँ पे वैसे हमारी टर्की आता हूँ एजिस यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल दो सेंटर हैं ओरेंजी यमे खाने मेस सेंटर, जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं। एंड देर इज द थर्ड वन जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है बिकॉज स्टूडेंट स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग। यू नो व्हेन आई केम इन 2019 द स्टूडेंट स्ट्रेंथ वॉज समवेयर अराउंड 50,000 स्टूडेंट्स इन एजिस यूनिवर्सिटी, एंड इन 2020 कैन यू इमेजिन द स्ट्रेंथ, इट्स लाइक मोर देन 70,000 स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी टू होम विच दे आर फीडिंग फ्री फूड, ऑलमोस्ट फ्री फूड। खैर लेट्स सी, लेट्स गो इनसाइड एंड चेक व्हाट्स इनसाइड द फूड। यहाँ पे देख सकते हो ओरेंजी में खाने लिखा हुआ है, सो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द फूड टुडे। राइस, हमें ये कीमे की स्टिक्स बनाई हुई होती हैं, ये होते हैं साथ में शोरबा है, साथ में ये सलाद है, ये लस्सी है जिसको टर्किश में आयरन कहते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा इट इज़ हाईली क्राउडेड, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं क्योंकि यहाँ पे फूड इतना सस्ती दी जाती है। यार 100 रुपीज़ का खाना आप इमेजिन करो आपको 5 लीरा में दिया जाता है। लाइक मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मैक्सिमम हाईएस्ट जो चार्ज करती हैं 10 लीरा तक करती हैं, इससे ऊपर नहीं करती। इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि यार हमारे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं इस खाने को मैनेज करने के लिए, तो हम स्टूडेंट से 5 लीरा लेंगे, 2 लीरा लेंगे या 10 लीरा लेंगे। यार 5 लीरा की टर्की में इस टाइम टू बी ऑनेस्ट कोई भी वैल्यू नहीं है। 5 लीरा के अंदर आप एक लस्सी का जो जिसको आयरन कहते हैं वो भी नहीं ले सकते, वो भी 8 से 9 लीरा का हो चुका है। लाइक ये चीज़ है और टर्की स्टिल तमाम स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इट डजेंट मैटर इफ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट, इट डजेंट मैटर इफ यू आर टर्किश स्टूडेंट। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो उस यूनिवर्सिटी के जो मेस जमे खाने जिसको कहा जाता है फूड कोर्ट, वहाँ पे आपको खाना दिया जाएगा। एट द सेम टाइम प्राइवेट कैंटीन्स वगैरह तो हर जगह होती हैं, बट दिस इज द थिंग विच गवर्नमेंट ओन्स और गवर्नमेंट ये फैसिलिटेट करती है इस फैसिलिटी को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइब्रेरीज। टर्की में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं, हर फैकल्टीज़ के अंदर अपनी लाइब्रेरीज होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी इन विच यू आर स्टडिंग है वो कितनी बड़ी है। गवर्नमेंट की तरफ से भी डजन्स ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं जो कि हर थोड़े से फासले के ऊपर एक लाइब्रेरी बना देते हैं। अब जो गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज होती है ना वो क्योंकि बल्दियाती निज़ाम है तो बल्दिया डिसाइड करती है कि उस लाइब्रेरी के अंदर फैसिलिटीज़ क्या कुछ होनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कुछ सिटीज़ में इससे भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों। मैं क्योंकि कैसरी में होता हूँ, यहाँ की लाइब्रेरीज मैंने देखी है, मैं आपको यहाँ की फैसिलिटीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो लाइब्रेरीज यार बहुत अच्छी, वेल डेकोरेटेड, लग्जरी कह लो, अच्छी तरह की लाइब्रेरीज होती हैं। लाइब्रेरीज के अंदर जाने के लिए आपको स्टूडेंट्स कार्ड्स वगैरह बनवाने पड़ते हैं, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो सारे करने पड़ते हैं। अब लाइब्रेरीज के अंदर फैसिलिटीज़ क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 24/7 लाइब्रेरीज भी हैं यहाँ पे जो कि 24 घंटे स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। एट द सेम टाइम लाइब्रेरीज के अंदर वहाँ पे फ्री शोरबा दिया जाता है जिसको टर्किश में चोरबा कहते हैं, हम लोग सूप कहते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स को फ्री चोरबा और सूप दिया जाता है और टी भी दी जाती है, जो टर्किश टी होती है वहाँ पे फ्री होती है स्टूडेंट्स के लिए। वो जितनी बार आके लेना चाहें, खाना चाहें, शोरबे को पीना चाहें और चाय लेना चाहें, जितनी बार लेना चाहें इज फ्री फॉर द स्टूडेंट्स। एट द सेम टाइम कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं जहाँ पे वहाँ पे उन्होंने फूड कोर्ट बनाए हुए हैं। और अच्छा, अच्छी बात, लाइब्रेरीज के अंदर लाइब्रेरीज बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं उनके अंदर, वहाँ पे वो कैंटीन्स भी बना सकते हैं। बट गवर्नमेंट की जो लाइब्रेरीज होती हैं उनके अंदर वो कैंटीन्स बनाते हैं बट ओन्ड बाय दी गवर्नमेंट, ताकि वो लोग वहाँ पे ये ना हो कि वहाँ पे हम कैंटीन वाले को पैसे बनाए वहाँ से और वो बच्चों से ही पैसे मुनाफा बनाने पड़ जाए। लेट्स सपोज अगर एक जो पानी की बोतल है अगर वो 2 लीरा की है या 3 लीरा की है, वहाँ पे वो 5 लीरा की बेचना शुरू कर दे, नहीं तो वो लोग गवर्नमेंट ओन करती है और वो लोग जो बाहर एक नॉर्मल कैंटीन वाला रेट दे रहे हैं ना उससे भी सस्ता वो लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब वो सिर्फ ऐसे होता है कि जो प्राइस उसकी ओरिजिनल प्राइस है वही आपसे ली जाएगी। लेट्स सपोज मैं आपको
एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, मैं जिस लाइब्रेरी में जाके पढ़ता रहता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आपने मेरी स्टोरीज वगैरह इंस्टा में देखा होगा, वहाँ पे जो एक कॉफी का ग्लास है वो तकरीबन 7 टर्किश लीरा का मिलता है। हालांकि आप बाहर से कहीं से भी पियोगे ना, आपको 15-20 टर्किश लीरा का कॉफी का मिलेगा। जो टर्किश टी है आप बाहर से कहीं से पियोगे आपको 8-15 लीरा के दरमियान में मिलेगी, अगर आप उस लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पियोगे तो आपको 1-2 लीरा की मिलेगी। तो आप लाइक इमेजिन कर रहे हो यार, ये फैसिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि मतलब लाइब्रेरी बना के, ऐसा नहीं है कि बच्चे अंदर आएंगे इनसे पैसे कमाएंगे, ये सोच नहीं है, ये है कि बच्चे आएंगे तो इनको फैसिलिटेट किया जाए, ये लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, इनको हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि ये यहीं पे बैठ के ही पढ़ें। और लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि लाइब्रेरी फूड के हवाले से कैंटीन वगैरह इतना अच्छा फैसिलिटेट कर रही है, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट सिर्फ बाहर से आते हों यहाँ से खाने उठा के चले जाते हों, नहीं, लाइक आई डोंट नो, बट एक वेल मैनर्ड तरीके से सारे वही स्टूडेंट्स ही होते हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ने आते थे, वो खाने वगैरह लेते हैं, दैट्स इट। मतलब मैं यही सोचता हूँ कि अगर इस तरह की कोई फैसिलिटीज हमारी साइड्स पे अगर प्रोवाइड भी की जाएं तो लोगों ने सिर्फ इनको खाने के लिए यूज करना स्टार्ट कर देना लाइब्रेरी जैसे साइड पे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। टर्की के अंदर बल्दियाती निज़ाम है, तो बल्दिया के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स सेंटर्स आते हैं, नॉट सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, लाइक फैमिलीज के लिए भी, कि अगर आप मियां बीवी हो तो आप लोग इन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हो तो आप इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लाइक फ्री एजुकेशन, फ्री डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, फ्री डिफरेंट कोर्सेज जो कि बल्दिया के अंदर आते हैं एंड जो कि हंड्रेड्स में है। वहाँ पे आपको मैं बताता हूँ किस तरह के स्विमिंग क्लासेस दी जा सकती हैं, आर्चरी की क्लासेस दी जा सकती हैं, डिफरेंट लैंग्वेज की क्लासेस दी जा सकती हैं, जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस यहाँ पे दी जाती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस दी जाती हैं, टर्किश लैंग्वेज दी जाती है फॉरनर्स के लिए, गेमिंग की दी जाती हैं, म्यूजिक की दी जाती हैं, म्यूजिक में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, गिटार आ जाता है, कुछ टर्किश इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, उन सब की क्लासेस फ्री में दी जाती है और इन दी एंड आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिए जाते हैं कि आपने वाकई पार्टिसिपेट किया। अगर आप एक ट्रैवलिंग पर्सन हो तो आपको बहुत मजा आएगा टर्की में आकर, क्योंकि टर्की में ट्रैवलिंग पे भी डिस्काउंट्स बहुत ज्यादा है, ट्रैवलिंग इन अ सेंस ऑफ अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो और आप गवर्नमेंट की ट्रेन वगैरह या बसेस वगैरह यूज कर रहे हो तो वहां पे भी आपको स्टूडेंट डिस्काउंट दिए जाते हैं। एट द सेम टाइम आप जिस प्लेस घूमने जा रहे हो, वो एक म्यूजियम हो, वो एक पार्क हो, या वो कोई भी एक टूरिस्टिक प्लेस हो, तो वहां पे भी स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट होते हैं। इन द एंड यू गाइज विल बी अमेज्ड टू नो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी इज ऑल्सो बींग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। लाइक अब मैं जितनी भी फैसिलिटीज बता रहा हूँ ना, ये बल्दिया पे डिपेंड करता है कि आपकी सिटी की बल्दिया कितनी स्ट्रांग है। आई एम लिविंग इन कैसरी, कैसरी की बल्दिया बहुत स्ट्रांग है और कैसरी की बल्दिया ने हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कपड़े धोने के हवाले से। स्टूडेंट्स क्योंकि हम लोग हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, हालांकि हॉस्टल्स वगैरह में हमें कपड़े धोने की हर फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हो, आप चाहे प्राइवेट में रहते हो, कुछ भी, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट स्टडी में बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं बिजी होता है, तो उसके पास टाइम नहीं है कि वो जाके खुद धोए, मशीन में कपड़े डाले, निकाले, सुखाए, तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी सेंटर लाइक सिर्फ कपड़े धोने के लिए फैसिलिटी सेंटर्स बनाए हुए हैं। आप लोग जाते हो अपने मैले कपड़े लेके वहाँ पे उन सेंटर्स पे उनको देते हो, वो लोग आपसे फॉर्म्स वगैरह फिल करवाते हैं कि कौन से कपड़े क्या कुछ सब कुछ ताकि मिक्स ना हो जाए, और एक दिन बाद आप लोग जाके धुले हुए, सूखे हुए, तहशुदा कपड़े वेल पैक्ड विद अ पैकेज आपको मिलते हैं टोटली फ्री। कैन यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी एनी कंट्री प्रोवाइडिंग? आई डोंट नो एनीथिंग। अगर आपको भी पता है कि इस तरह की कोई फैसिलिटी कोई और कंट्री प्रोवाइड कर रही है या इसके भी अलावा कोई और डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं उनको पता है कि हाँ हमारी उधर की गवर्नमेंट या हमारी यूनिवर्सिटी वगैरह में इस तरह की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ताकि मुझे भी पता चले, क्योंकि इस फैसिलिटी यार जो कपड़े धोने वाली फैसिलिटी है इसको तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर दी की जा सकती है स्टूडेंट को। ओके फ्राइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी हमारी स्टूडेंट फैसिलिटीज इन टर्की और किस तरह से टर्की ने स्टूडेंट्स के लिए तुर्की को जन्नत बनाया हुआ है। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई वॉन्ट टू नो। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो कि अगर आप डिफरेंट सिटीज से बैठ के वीडियो देख रहे हो, आपको वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं या क्या आपके पास ये फैसिलिटीज हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स को इन फैसिलिटीज का पता ही नहीं होता, असल बात ही है। आप लोग बाहर जरा सर्च करो, पता चले कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। सो इफ यू गाइस आर न्यू हियर, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और मैं भी इस तरह का न्यू कॉन्टेंट बनाता रहूँ आपके लिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।